नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन प्रीति जिंटा ने अपने पुराने दोस्त और आईपीएल टीम पार्टनर नेस वाडिया पर जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके पीछे क्या वजह है? जो बताया जा रहा है, क्या नेस वाडिया ने प्रीति से बदतमीजी और गाली गलौज की थी? इन सवालों पर मुंबई पुलिस माथापच्ची कर रही है, लेकिन एक एंगल कारोबार को लेकर लफड़े का भी आ रहा है। आईपीएल की टीम किंग्स इलेवन पंजाब में शेयर होल्डर तो सात हैं, लेकिन धूम तो हमेशा से प्रीति जिंटा की रही। एक अनुमान के मुताबिक किंग्स इलेवन पंजाब का वैल्यू करीब 1000 करोड़ रुपए का आंका जा रहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि कुछ शेयर होल्डर चाहते हैं कि प्रीति अपना शेयर लें और टीम को गुड बाय कर दें। चेहरा है जिसके नाम पर किंग्स इलेवन पंजाब का सिक्का चलता है। ये वो चेहरा है जिसके मुस्कान से आईपीएल की एक टीम में हौसला भरता है। ये वो चेहरा है जिसके जुनून से एक टीम जीत के मंसूबों को सच बनाती दिखती है। ये बॉलीवुड की हसीन अदाकारा प्रीति जिंटा है, जिनकी एक पहचान किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन के रूप में बनी है। आईपीएल के ऊलाला क्रिकेट में माया नगरी के रंगीन एंट्री के ये तीन चेहरे, कोलकाता नाइट राइडर्स के शाहरुख खान, किंग्स इलेवन पंजाब की प्रीति जिंटा और राजस्थान रॉयल्स की शिल्पा शेट। लेकिन इन चेहरों में दिलचस्प मुकाबला तब बना जब आईपीएल के सातवें सीजन के फाइनल में वीर की टीम का मुकाबला जारा से हुआ। जारा हार गई, लेकिन मैदान के बाहर जारा यानी प्रीति जिंटा एक और फाइट में फंस गई। प्यार से इनकार, इनकार से तकरार और तकरार से कारोबार में आए ट्विस्ट की ये वो दास्तां है जिस पर बॉलीवुड की एक सस्पेंस फिल्म बन सकती है। जिस नेस वाडिया से प्रीति का कभी दिल का रिश्ता था, वहां दिलों की कड़वाहट सामने आ गई है और सामने आया है कारोबार के खेल का वो सच जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। बात सिर्फ दो प्रेमियों की नहीं थी, बात बिजनेस की थी। इस साल किंग्स इलेवन पंजाब जीतती रही तो कैमरों की चकाचौंध प्रीति जिंटा पर रही। बाजार में टीम की कीमत बढ़ती रही तो शायद एक बिजनेसमैन इस बात को हजम नहीं कर पाया कि एक एक्ट्रेस टीम से इतना पैसा कैसे बनाएगी। 2008 में जब आईपीएल की टीम बन रही थी तब किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को बीसीसीआई से 350 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इस पैसे को किंग्स इलेवन को बीसीसीआई को हर साल 35 करोड़ के लिहाज से 10 साल में चुकाना था। लेकिन शुरुआती दिनों में टीम चली नहीं। टीम भले कमजोर थी लेकिन प्रीति जिंटा का जलवा बढ़ता गया, मैदान में भी और कारोबार में भी। टीम में प्रीति जिंटा की 23%, नेस वाडिया की 23%, कूलवे कंपनी की 23%, डाबर ग्रुप के गौरव वर्मन और मोहित वर्मन की 11.5-11.5%, जबकि करण पॉल और आदित्य खन्ना की 4-4% हिस्सेदारी बनी। खबर है कि 4 साल पहले जब सहारा ग्रुप ने पुणे वॉरियर्स को 1702 करोड़ रुपए में खरीदा, तब नेस वाडिया और प्रीति ने अपना शेयर 900 करोड़ रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में किंग्स इलेवन ने इस खबर का खंडन कर दिया। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि इस बार फाइनल के मुहाने तक पहुंची टीम के प्रदर्शन के बाद प्रीति के अलावा दूसरे हिस्सेदारों को लगने लगा था कि प्रीति ही सेंटर पॉइंट बन चुकी है। She's excited, my word, aren't she pretty? एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त किंग्स इलेवन पंजाब की कीमत 1000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ऐसे में प्रीति जिंटा की हिस्सेदारी करीब 230 करोड़ रुपए हुई। सूत्रों के मुताबिक टीम के चढ़ते भाव के बाद कुछ हिस्सेदार चाहते थे कि प्रीति बाहर निकल जाए, लेकिन खबर यह है कि प्रीति अपनी हिस्सेदारी बेचना नहीं चाहती। प्यार से तकरार और फिर तकरार से कारोबार में आए पेच ने दूसरे हिस्सेदारों को अलर्ट कर दिया है। कंपनी के एक और हिस्सेदार रोहित वर्मन की तरफ से सुझाव आया है। ये दो लोगों के बीच का निजी मामला है, मुझसे तो दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि वो टीम से बाहर जाना चाहते हैं।
लेकिन अगर कोई टीम छोड़ना चाहता है तो बाकी हिस्सेदारों में से कोई एक उसकी हिस्सेदारी खरीद सकता है। प्रीति जिंटा नेसवाड़िया विवाद भले ही पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा हो और मामला पुलिस तक पहुंच गया हो, लेकिन सीनियर किंग्स इलेवन पंजाब के अधिकारियों को हमें साफ कहना है इसका टीम के बिजनेस इंटरेस्ट पर कोई असर नहीं होगा। सूत्रों में बताते हैं कि अगर प्रीति टीम का साथ छोड़ देती हैं तो उनके स्टेक मौजूदा ओनर्स में से कोई खरीद लेगा और खिलाड़ियों को इस पूरे विवाद से कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या यह माना जाए कि 30 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रीति और नेसवाड़िया के बीच जो कुछ हुआ इसके पीछे करोड़ों का खेल है? जवाब के लिए जांच और उसके नतीजों का इंतजार कीजिए। मुंबई से रसेश मंडानी के साथ विक्रांत गुप्ता, दिल्ली आज तक। एक तरफ कारोबार का खेल तो दूसरी तरफ थाने में दर्ज एफआईआर। प्रीति जिंटा की एफआईआर पर पुलिस उनका बयान लेना चाहती है। पुलिस यह भी चाहती है कि उसके कुछ सवालों का वो जवाब दे ताकि जांच को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस बीच मुंबई पुलिस ने किंग्स इलेवन के सीईओ फ्रेजर कॉन्स्टेलियन को बयान दर्ज करने को कहा है। साथ ही पुलिस ने आईपीएल सीईओ सुंदर रमन से भी जांच में मदद मांगी है। कभी एक खूबसूरत जोड़ी थी लेकिन वक्त की कसौटी पर दौड़ी नहीं। जहां मोहब्बत की कस्में वादे थे वहां 12 जून को प्रीति जिंटा ने नेसवाड़िया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुंबई पुलिस ने नेसवाड़िया पर आईपीसी की धारा 354, 504, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया। आईपीसी की धारा 354 महिला की निजता पर हिंसात्मक हमले के लिए होती है, तो 504 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर बेइज्जती कर उकसाने की, 506 आपराधिक धमकी देने की और 509 शब्द संकेत और व्यवहार से महिला की निजता पर हमला करने की। लेकिन इस मामले में प्रीति के वकील ने खुलासा किया है कि प्रीति ने कभी भी नेसवाड़िया पर छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगाया। एफआईआर में कोई सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र नहीं। एफआईआर में लिखा गया है कि 354Q एप्लीकेबल है, वो सारे एफआईआर में ये है। बट चूंकि काफ़ी डिस्कशंस हो रहे थे सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में वगैरह, तो हमने ये क्लैरिफाई किया कि दिस केस इज नॉट अबाउट एनी सेक्सुअल असॉल्ट और एनी सेक्सुअल मोलेस्टेशन। हालांकि नेसवाड़िया ने प्रीति के इस कदम पर हैरानी जताते हुए बयान जारी किया। मैं शिकायत पर हैरान हूं और मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और गलत हैं। लेकिन आरोप और आरोपों से इनकार के बीच सवाल है कि 30 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रीति और नेसवाड़िया के बीच ऐसा क्या हुआ था जो इतना बवाल मचा। अपने मुकदमे में प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया है 30 मई 2014 को वानखेड़े स्टेडियम में मेरी टीम किंग्स इलेवन पंजाब खेल रही थी। जब मैं 8:30 बजे रात को मैच देखने पहुंची तो देखा कि नेसवाड़िया टीम स्टाफ पर चिल्ला और लताड़ रहे थे। मेरी टीम अच्छा खेल रही थी लिहाजा मैंने वाड़िया को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन उल्टे वो मुझे ही गाली देने लगे, मेरी बांह मरोड़ी और मुझे धक्का दिया। इस पर पुलिस प्रीति से ये सवाल पूछना चाहती है कि ये घटना कहाँ हुई, वाड़िया टीम के किस स्टाफ को लताड़ रहे थे और वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे। आगे प्रीति जिंटा अपने आरोपों में कहती है, इसके बाद मैं वहाँ से हट गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, लेकिन वाड़िया आए और वहाँ सबके सामने मुझे गाली देने लगे, मुझ पर चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि उनकी भाषा बहुत ही गंदी थी। इस पर पुलिस प्रीति से ये पूछना चाहती है कि आप किस सीट पर कहाँ बैठने गई, ये गाली गलौज की घटना कहाँ हुई। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया है कि नेसवाड़िया अपनी सियासी ताकत की धौंस देकर उन्हें डरा रहे थे। इस पर उनका कहना है, इसके बाद तत्काल मैंने बीसीसीआई के अधिकारियों से वाड़िया की मौखिक शिकायत की। मैंने खुद को शांत रखा क्योंकि मैं फाइनल में पहुंची अपनी टीम का मनोबल गिराना नहीं चाहती थी। इस बारे में मुंबई पुलिस प्रीति जिंटा से पूछना चाहती है कि आपने बीसीसीआई के किन अधिकारियों से शिकायत की थी। पुलिस ने प्रीति जिंटा को गुरुवार तक का समय दिया है ताकि वो आकर अपना बयान दर्ज करा सके। धीमी शुरुआत के बाद मुंबई पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ने लगी है। मुंबई पुलिस बेसब्री से प्रीति जिंटा का इंतजार कर रही है ताकि वो प्रीति के साथ जाकर मौका वारदात का पंचनामा कर सके और उस दिन हुए वारदात की सही तस्वीर बना सके। निजी रिश्ते बिखर चुके थे लेकिन कारोबारी रिश्ते कायम थे। अब रुपए का धागा भी कमजोर पड़ने लगा है। 7 साल से किंग्स इलेवन पंजाब की डोर में बंधे प्रीति और नेस अब कानूनी केस की चौखट पर खड़े हैं और इन दोनों के बीच फंसा है सैकड़ों करोड़ के कारोबार का खेल। रसेश मंडानी, मुंबई आज तक। किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने नेसवाड़िया पर बदतमीजी और गाली गलौज के आरोप लगाए।
तो नेसवाड़िया की तरफ से भी मोर्चा संभालने वाले सामने आ गए। वाड़िया अस्पताल में काम करने वालों ने तो प्रीति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तीस मई के मामले में 12 जून को प्रीति जिंटा थाने में पहुंची, लेकिन नेसवाड़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद से वो विदेश चली गई और देश में मच गया कोहराम, थोड़ा उनके पक्ष में थोड़ा विरोध में। नेसवाड़िया के समर्थकों ने प्रीति के खिलाफ लामबंद होकर दावा किया है कि उनके लगाए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पुलिस में लिखाई शिकायत में इन लोगों ने कहा है कि इतने साल नेसवाड़िया के साथ रहने के बाद प्रीति जिंटा छेड़छाड़ का आरोप कैसे लगा रही है। हम लोग को ये मालूम कि आज अचानक इन लोग का दोनों में क्या हो गया। अगर आप लोग का बिजनेस में झगड़ा है, अगर आप लोग में आपस में कुछ घर का झगड़ा है, तो झगड़ा आप आपस में बैठ के निपटा लो। कि इसका मतलब ये नहीं कि आज महिलाओं के लिए जो कानून बनाया है वो कानून का मिसयूज करे। दोनों पक्ष खुद को सही साबित करने में लगे हैं और इन दोनों के बीच दांव पर लगी है एक आईपीएल की टीम की साख, जिसका नाम है किंग्स इलेवन पंजाब। रसेश मंडानी, मुंबई आज तक।